सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मान सम्मान कीर्ति पैसा कहां से आएगा, ये सब हम जानेंगे आपकी सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत को देखकर। सूरज जो कि हमारे फेम का कारक है, किसके बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सूरज का पर्वत कहां पर है। ये सूरज का पर्वत, ये सूरज का पर्वत, इस उंगली के नीचे सूरज का पर्वत है। सूर्य की रेखा जहां पर एक रेखा, यदि ये रेखा छोटी है तो ये दर्शाती है कि ऐसा जातक बहुत ही अपनी जिंदगी में संघर्ष करता है और उसको कामयाबी जो है 40-42 साल के बाद वो कंप्लीटली स्टैब्लिश होता है। उस उम्र तक वो अपने आप को स्टैब्लिश करता है, उसका पब्लिक डीलिंग के द्वारा ही उसको पैसा आता है। अब आपने ये पाया कि ये सनलाइन आपके हार्ट लाइन तक पहुंच गई, आपके सूर्य की रेखा ने दिल की रेखा को स्पर्श किया। ऐसे लोग शादी के बाद इनका भाग्य उदय होता है अपनी पत्नी के सहयोग के द्वारा। यदि ये सनलाइंस आपके माइंड लाइन तक जा रही है तो ऐसे जातक अपनी बुद्धि के द्वारा तरक्की करते हैं। यदि आपकी ये सूर्य रेखा लाइफ लाइन से शुरू हो रही है, ऐसे जातक अपने परिवार के सहयोग से तरक्की करते हैं, परिवार के सहयोग। यदि बृहस्पति के साथ इसका कोई संबंध बन जाए तो ऐसे जातक अपने ज्ञान के द्वारा तरक्की करते हैं। यदि इसका संबंध मंगल के साथ बन जाए तो ऐसे जातक अपनी एनर्जी, अपनी पावर को पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स आदि के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यदि इसका संबंध शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाती है तो ऐसा जातक अपने ससुराल के द्वारा खड़ा होता है, ससुराल के द्वारा उसे धन प्राप्ति होती है और वो अपना कारोबार स्टेब्लिश करता है। यदि इसका रिलेशंस चंद्र पर्वत से है तो ऐसा जातक विदेश में कामयाब होता है, जा अच्छा राजनेता बनता है पब्लिक डीलिंग के द्वारा। यदि ये सूरज की रेखा कटी है, बीच में गैप लिए हुए हैं तो ऐसा जातक बहुत ही संघर्षरत रहता है, बहुत संघर्ष करता है, बहुत संघर्ष, कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है। यदि इसको सूर्य रेखा को नीचे की ओर कटिंग लाइंस है, नीचे की ओर डाउनवर्ड लाइंस है, ये बताती हैं जीवन में रुकावटें। यदि अपवर्ड्स है इस तरह ऊपर को, ये प्रोग्रेसिव लाइंस है, ये बताती हैं कि आदमी प्रोग्रेसिव है। यदि इसमें कटिंग लाइंस, सन लाइंस में कटिंग लाइन ज्यादा है, सन लाइन 2-3 जगह से कट रही है, एक जगह से, दो जगह से, तीन कटिंग लाइंस हैं, ये दर्शाती हैं कि ऐसे जातक का पिता बीमार रहेगा, जहां उसे प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक और बात हमने ये देखना है, कहीं ये पर्वत दबा हुआ तो नहीं है। यदि ये पर्वत दबा हुआ है, ऐसे जातकों में विश्वास की, आत्मविश्वास की कमी होती है। यदि ये पर्वत दबा हुआ है और उसमें रेखाएं हैं, अच्छी सनलाइन है, तो ये दर्शाती हैं
कि ऐसा जातक बचपन में बहुत संघर्ष रहता है, उसके बाद अपने तरक्की करता है जिंदगी के सेकंड हाफ में। यदि आपने ये पाया जहां पर एक बी आकृति का आकार बन गया तो ये बहुत बढ़िया आकार है। यदि सन लाइंस दो हो गई तो ये दर्शाती हैं कि जातक पहले कोई और काम करता था, फिर उसने कोई और काम शुरू किया और उसमें उसको तरक्की मिली। दो सन लाइंस का होना भी बेहतर समझा गया। यदि इसमें दो से ज्यादा सन लाइंस हैं, ये दर्शाती हैं कि जातक मल्टीपल्स टैलेंटेड है लेकिन कामयाबी एक में भी नहीं मिलेगी। इसी तरह जहां पर फ्लैग का होना, ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इंटरनेशनल लेवल तक आदमी पहुंच सकता है। ये इसके साथ साथ हमें और बहुत से साइंस देखने हैं कामयाबी के लिए। बिजनेस लाइंस है या जहां पर वर्क का निशान है, जहां पर फिश का निशान है, यदि ये निशान से आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं तो आज जातक बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला बन जाता है।